हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्पीच बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं रामदाना की खीर। इसे कई नामों से जाना जाता है, राजगीरा, अमरंथ, चौलाई सीड। इसकी खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप चौलाई सीड लिया है। इसको खीर बनाने से पहले भूनना है। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, चौलाई के बीज को रखेंगे कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सा। इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। यह बिल्कुल लावा की तरह हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद। गैस का फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे ताकि ये जले नहीं। आप देख पा रहे होंगे इसमें सफ़ेद सफ़ेद लावा फूटने लग गया है। आप इसे दो तरीके से भून सकते हैं। इसे स्पैचुला से चलाकर भून सकते हैं या फिर कॉटन का कपड़ा ले लें, हल्का सा प्रेस करते हुए भून सकते हैं। दोनों में से जैसे आपको सही लगे। ध्यान रखिएगा कपड़ा कॉटन का हो, नहीं तो कढ़ाई में चिपकने लगेगा। जितना लावा फूटना था फूट गया। अब इसको निकाल के एक बाउल में रख लेंगे। फिर से कढ़ाई रखेंगे, थोड़ा सा चौलाई का बीज रखेंगे। इसे पहले की तरह स्पैचुला से चलाते हुए या कपड़े से ऐसे प्रेस करते हुए भून लेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सारे चौलाई के बीज को भून के हम तैयार कर लेंगे। मैं आपको रामदाना भूनने का नया ट्रिक बता रही हूँ। जब मैंने कढ़ाई में भूना था तो मुझे लगा कि आधे से कम ही लावा फूट रहा है। फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैन ले लिया है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और पैन में एक चम्मच रामदाना डालेंगे। पैन को ऐसे पकड़ेंगे, गोल गोल घुमाते रहेंगे। थोड़ा सा ऊंचाई पे रखेंगे फ्लेम से ताकि हीट लगती रहे अच्छे से, और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई पे रखेंगे। ऐसा करने से आप देख पाएंगे रामदाना का एक एक दाना फूटेगा अच्छे से। मैंने सोचा आप लोगों को भी ये ट्रिक बता दूं ताकि आप लोगों को सुविधा हो रामदाना को भूनने में। आपको दिख रहा होगा एक एक दाने से लावा फूट रहा है। अच्छे से लावा फूट चुका है। बाउल में ऐड कर लेंगे। फिर से एक चम्मच रामदाना डालेंगे। फिर से पैन को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, गैस से थोड़ा सा ऊंचाई पे रखेंगे। देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से लावा फूट रहा है। बस अब से जब भी आपको रामदाना भूनना होगा इसी तरीके से भूनिएगा, एक एक दाने से लावा फूटेगा। आप देख पा रहे होंगे लावा इतने अच्छे से फूट रहा है कि सारे गैस पे बिखरा पड़ा है चटक चटक के। सारे रामदाना को मैंने भून लिया है। गैस को ऑफ कर लेंगे। खीर बनाने से पहले एक बार मैं चूल्हा को क्लीन कर लेती हूँ। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लावा बना है। गैस ऑन करेंगे। यहाँ पतीले में मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। बीच बीच में चलाते हुए दूध को उबालेंगे। दूध में उबाल आने लग गया है, भुना हुआ लावा ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। रामदाना का खीर बहुत हेल्दी होता है। आप इसे छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस गाढ़ा होने तक पका लेंगे। 1/2 कप चीनी लिया है, ऐड कर लेंगे। चीनी आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए खीर को गाढ़ा होने तक पका लेंगे। यहाँ पे मैंने 8 से 10 केसर के धागे 1 चम्मच गरम दूध में भिगो के रख दिया था, ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ मिले जुले ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें बादाम कटा हुआ है, काजू और पिस्ता भी है। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो ऐड कर सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, फिर भी बहुत टेस्टी लगता है ये। खीर हमारी बन के बिल्कुल रेडी है। गाढ़ापन इसका बिल्कुल ठीक है। इसको ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस को ऑफ कर लेंगे। जब खीर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आप इसे फ्रिज में रख दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो खीर सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी होता है ये। आप इसे किसी भी व्रत में बना के खा सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से रामदाना की खीर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।